हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपने कभी इस तरीके के कच्चे आम का पराठा खाया है क्या, जो देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि ये कैसा लगता है, लेकिन बहुत ही खट्टा चटपटा ये लगता है। आप मीठी तक चटनी के साथ में खा सकते हैं या तीखी चटनी के साथ में खाएंगे, सॉस के साथ में खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। नाश्ते में, खाने में, जैसे भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। तो आम को धो लिया था मैंने और इस तरीके से छील लिया है, अच्छे से उसको जो ग्रीन वाला भाग है अच्छे से साफ कर दिया मैंने, और कद्दूकस पे इसी तरह उसको क्रश कर रही हूँ। इसको महीन क्रश कर लेना है, देख लीजिए एकदम महीन कर रही हूँ। जितना ये महीन रहेगा उतना ही बहुत अच्छा लगेगा और पराठे में पूरी तरह से ये फैल जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से पूरा आम मैंने कद्दूकस कर लिया, अच्छी तरीके से घुमा घुमा कर गुठलियों को, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्रश कर लिया है मैंने। जितना ये चटपटा लगता है ना पराठा, आपने कभी बनाया नहीं होगा, गारंटी है, लेकिन ये नई रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख लीजिए मैंने पूरी अच्छे तरीके से आम को क्रश कर दिया था, और ये जूस जूस वाला है, जब इसको क्रश कर दिया है तो इसमें से जूस निकल रहा है, उसको साइड में रख देंगे। और थोड़े से प्याज ले लिया है मैंने, उसको बारीक बारीक इस तरीके से महीन काट लेना है छोटे छोटे, या फिर आपके पास चॉपर मशीन है तो उसमें चॉप कर लीजिए। इसको मिक्सर में पीसना नहीं है, इसको इस तरीके से बारीक बारीक काटना ही है, या फिर जिस भी आकार में आप काटना चाहें आप उस तरीके से काट सकते हैं। और जो भी सामग्री मैं इसमें डालूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मेरे चैनल को सबसे पहले एक लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने प्याज को काट लिया बारीक बारीक, और ये भुना हुआ चना है जिसको मैं पीस रही हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ चना लगभग 10 रुपये का, उसको भून लिया। और 2 चम्मच मैंने तेल गरम किया है सरसों का, उसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डाला है, 1/2 चम्मच जीरा डाला है, और प्याज डाल के इसको भून रही हूँ। सरसों के तेल में इस तरह का स्टेप आप तैयार करेंगे ना, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और प्याज जब तक सुनहरी नहीं हो जाए तब तक उसको भूनना है, जब हल्का सुनहरा हो जाए फिर ये आम जो हम लोग ने कद्दूकस किया था उसको डाल देंगे, उसमें लहसुन मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और उसको भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब ये पानी आम का सूख जाएगा, देखिए इसको चलाना है लगातार, उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वाद की रिकॉर्डिंग डालना है, और फिर इसके अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद की रिकॉर्डिंग। और देखिए इसको चला चला कर इसका जो पानी है आम का, क्योंकि नमक डालने पे खट्टा आम और भी पानी छोड़ता है, तो इसको चला के भून लेना है इस तरीके से। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए, और फिर इसको लगातार चलाते हुए स्लो गैस मीडियम गैस पे ही पकाना है, फास्ट गैस पे नहीं पकाना है। उसके बाद जो चना भुना हुआ पीसा था हमने वो डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने गैस को कर दिया है बंद, अब गैस बंद करके मैं इसको चला रही हूँ और मिला रही हूँ अच्छे से, क्योंकि भुना हुआ चना था, कच्चे चने का नहीं है ये, तो इसी तरीके से इसको मिला लेना है और हरी धनिया इस पर डाल देना है। और देखिए कितना सुंदर हमारा स्टेप तैयार हो गया है, ये जितना अच्छा दिख रहा है ना उतना अच्छा खाने में भी लगता है। और एक बाउल मैंने मैदा लिया है और 2 बाउल मैंने आटा लिया है, और उसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है और नमक डाला है, और उसको मिलाकर आटे को अच्छे से गूंद लूँगी, जितने हम गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए उसी तरीके से गूंद लेना है, और लोई लेकर बेल लेना है, और इस तरीके से भर के दोनों तरफ से उसको आटा लगाकर चौकोन पराठा मैंने बेल लिया है। आप जैसे भी पराठा बनाना चाहे, गोल चौकोन या लंबा या त्रिकोणी, उस तरीके का पराठा आप बना सकते हैं, मैंने ऐसे चौकोन पराठा बनाया है। और इसको घी लगाकर सेका है,
बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में तो और भी लाजवाब लगता है। आप कभी ऐसे बनाइए और खाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और देसी घी से मैंने इसको बनाया है। इस तरीके से एक और पराठा आपको बना के दिखा रही हूँ। एकदम ईजी तरीका है। अगर आपको गोल बनाना है तो स्टेप भर के बना सकते हैं, या फिर इस तरह से चौकोर बना सकते हैं, या फिर आप त्रिकोणा बना सकते हैं, या फिर आप इसकी कचौरी भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर दूसरा पराठा भी मैंने सेका है और देसी घी लगा रही है उसके अंदर। सच मानिए ये पराठा बन रहा है ना तो मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि खट्टा खट्टा स्मेल भी साथ में आ रहा है। तो मेरा दो पराठा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा चटनी बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर लहसुन, मिर्ची और कुछ पुदीना के पत्ते और इसके अंदर ये कच्चा आम भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें शक्कर डालकर ये चटनी पी सकते हैं, या फिर गुड़ डाल के पी सकते हैं। खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसमें नमक डाल के पीस रही हूँ और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने। और देखिए हमारा चटपटा चटनी तैयार है। तो आइए गर्मा गर्म खट्टी और मीठी चटनी के साथ में परोसते हैं। देखिए रेडी हो गया है ना, तो चलिए खाते हैं।